हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुचिज क्रिएटिव आउटलुक। और आज हम बहुत देर बाद मिल रहे हैं एंड आई होप कि आपको मेरी पहली रेसिपीज पसंद आई होंगी। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, कड़ा प्रसाद की रेसिपी। तो आइए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेरे व्हीट फ्लावर है, गेहूँ का आटा जो मैंने 1.25 कप लिया है, शुगर है 1 कप, 1 कप ही घी ले रही हूँ और ये 1 कप ही वाटर लेंगे। तो इन 4 इंग्रेडिएंट से मेरा कड़ा प्रसाद बनाएंगे। आइए इसका प्रोसीजर देखें। ये मैंने गैस पे पैन रख दिया है और अब मैं सबसे पहले तो इसमें अपना घी डाल रही हूँ। जब तक ये मेल्ट होता है उधर हम दूसरे पैन में पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो ये घी मेल्ट हो गया है और अब मैं इसमें ये मेरा 1.25 कप आटा है जो मैं ये डाल रही हूँ। कड़ा प्रसाद बनाते हुए आप आंच को मध्यम ही रखें और इसको लगातार चलाते हुए बनाएंगे। कड़ा प्रसाद जो है ये एक स्वीट डिश आप कह सकते हैं, लेकिन ये मेन बेसिकली प्रसाद की तरह ऑफर किया जाता है। ये आपने गुरुद्वारा साहब में भी सुना होगा कि वहाँ पे ऑफर किया जाता है आटे का जो हलवा बनाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है, इसमें बबल्स बन रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसको लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक जो आटे का कलर है वो थोड़ा सा बदलने न लग जाए और इसमें एरोमा आने लग जाए, तब तक हम इसको भुनेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कलर बदलने लग गया है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, शुगर मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा इसमें चलाएंगे, रीज़न बीइंग के थोड़ा सा शुगर भी कैरमलाइज हो जाएगी हीट से तो इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा कैरमलाइज होना शुरू हुआ है तो बस अब थोड़ा सा और हम चला के इसमें फिर वाटर ऐड कर देंगे। देखिए ये आप दिख रहा होगा आपको कैरमलाइज जो हो रही है, बस अब इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। मैं वाटर वार्म करा था ये, मैं अब धीरे धीरे इसमें डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। वाटर और ऐड कर रही हूँ मैं क्योंकि वो शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसलिए। ये हलवा बनके कड़ा प्रसाद बनके रेडी है, मैं इसको बस अब प्लेटिंग करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कितना शानदार बनाए कड़ा प्रसाद।
चलिए गैस बंद कर देते हैं और अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा कड़ा प्रसाद बन के रेडी है, तो आप भी बनाइए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी मिल जाएगी और बाकी रेसिपीज़ मेरे देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।